हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेकी एक्सपर्ट में। दोस्तों, अगर आप भी इस गेम को खेलते हैं, यानी कि आप समझ रहे होंगे ना PUBG मोबाइल को खेलते हैं, तो आपके लिए बहुत ही दुख की खबर होने वाली है। जी हाँ गाइस, PUBG मोबाइल को इंडिया से बैन कर दिया, उसी के साथ में यहाँ पर PUBG का जो दूसरा गेम था PUBG मोबाइल लाइट, PUBG मोबाइल और PUBG मोबाइल लाइट, इन दोनों गेम्स को भारत से बैन कर दिया गया। इसके साथ में और चाइना की 118 एप्लीकेशंस को बैन किया गया है। जी हाँ गाइस, सबसे को पता होगा आपसे पहले सरकार ने 59 एप्लीकेशंस को बैन किया था, जिसमें कि टिकटॉक आ रहा था। टिकटॉक पे काफ़ी सारे लोग काम कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे। ऐसे ही ये कंडीशन यहाँ पर PUBG लाइट के साथ और PUBG मोबाइल के साथ हो रही है कि PUBG मोबाइल के जरिए काफ़ी सारे लोग जो है पैसा कमा रहे थे स्ट्रीम करके, PUBG मोबाइल को भी बैन कर दिया गया और यहाँ पर PUBG लाइट को भी बैन कर दिया गया। अब आप लोग कहेंगे कि यार मेरे फ़ोन में PUBG काम कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में भी चल रहा है। ये अभी कुछ घंटे का मेहमान है, कुछ घंटे तक चलेगा। जैसे कि आप सभी को पता है, जब जो है टिकटॉक को बैन किया गया था तो वो भी कुछ टाइम तक चला था और यहाँ पर ये भी चलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि यार इससे लोगों को क्या नुकसान होगा। जैसे कि काफ़ी सारे स्ट्रीमर्स पैसा कमा रहे थे स्ट्रीम करके PUBG की, तो वहाँ पर वो पैसा नहीं कमा पाएंगे। काफ़ी सारे लोगों ने अभी अब जो है काफ़ी अपने YouTube चैनल स्टार्ट किया था, जिसके ज़रिए वो अभी जो है पैसा कमाने लगे थे, और वहाँ पर अब PUBG बैन हो जाएगा तो वो जल्दी से किसी और फील्ड में नहीं जा सकते और वहाँ पर पैसा नहीं कमाएंगे। तो ये तो दुख की खबर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यार सरकार कर रही है तो अच्छा चीज़ ही कर रही होगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यार चाइना भारत के लिए कितना नुकसान कर रहा है, तो इन सभी को देखते हुए सरकार ने ये कदम काफ़ी अच्छा लिया। और आप ज़रूर से बताना है कि PUBG को बैन होने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, यानी कि अच्छा फील हो रहा है या फिर नहीं। और आप सभी लोग कहेंगे कि यार PUBG तो कोरिया का एप्लीकेशन था, लेकिन PUBG जो है कोरिया का एप्लीकेशन नहीं है, PUBG चाइना का एप्लीकेशन है। यानी PUBG मोबाइल और PUBG मोबाइल लाइट ये दोनों ही चाइना के एप्लीकेशन है, लेकिन PUBG जो गेम है PUBG PC जो है जो आप लैपटॉप में कंप्यूटर में चला सकते हैं वो है कोरिया का। तो यहाँ तक ही हो सकता है, अगर PUBG मोबाइल PUBG मोबाइल लाइट को बैन किया गया तो PUBG PC को आप अपने कंप्यूटर में चला सकते हैं, क्योंकि उनका अभी तक लिस्ट में कोई नाम नहीं है। जो लिस्ट है पूरी की पूरी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर से आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये कंक्लूजन पूरा हो गया होगा कि PUBG मोबाइल और PUBG लाइट को बैन कर दिया गया है, और यहाँ पर अभी तक PUBG PC के बारे में कोई न्यूज़ निकल कर नहीं आया कि वो बैन होगा या फिर नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप खुश हैं PUBG के बैन को लेकर या फिर नहीं। तो जल्दी मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक बने रहिएगा और इस वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।